सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक सऊदी शाह सलमान ने एक आदेश जारी किया है जिसमें महिलाओं को पहली बार ड्राइविंग की इजाज़त दी गई है। सऊदी मंत्रालयों को इस मामले में 30 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करनी है और यह आदेश जून 2018 से लागू होगा। सऊदी अरब अकेला ऐसा देश है जहां महिलाओं की गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध है। महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिलाने के लिए सालों तक अभियान चलाया गया। कई महिलाओं को इस पाबंदी को तोड़ने के लिए सजा भी दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस फैसले से ट्रैफिक नियमों के कई प्रावधानों को लागू किया जाएगा जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए एक जैसी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना भी शामिल है। इस आदेश में शरिया कानून का भी ध्यान रखने की बात कही गई है, हालांकि इस बारे में विवरण नहीं किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा है कि वरिष्ठ धार्मिक विद्वानों की परिषद के सदस्यों ने बहुमत में इस फैसले का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसका स्वागत करते हुए इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।